deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and with another new vlog. I hope आप सब मस्त एंड स्वस्थ होंगे. तो अभी हो रहा है शाम का टाइम. आपको पता है मेरा ब्लॉग शाम को ही शूट होता है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया और दोपहर के टाइम बाहर निकलने लायक रहता नहीं है. गर्मी ऊपर से इतनी तेज है और दोपहर के टाइम मैं 2-3 घंटा आराम भी करती हूँ, तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ. मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिलता है. जब से मेरा एग्ज़ाम का डेट आया तब से मैं रात को लेट तक जगती हूँ, इसलिए दिन में 2-3 घंटा मैं सो लेती हूँ. तो अभी मैं सो के जगी हूँ तो मेरे को लग रही है भूख, तो मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ. और सो के जगने के बाद मम्मी बोली कहीं जाना है, तो मेरे को कहाँ जाना है तो मैं चलूँगी आपको साथ में लेके. तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा. तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करें. कॉलेज से आई हूँ, मुझे सिर्फ कोई और ही कुछ खाने को दे रहा है सुबह से बचपन. तो ये देखिए पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा है, तो पता ना दिया कहाँ से लेके आई है. बबल गम है तो मेरे को ला के दिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है. मैं भी बहुत ज़्यादा खाती थी, इसके लिए डांट भी सुनती थी लेकिन फिर भी खाती थी. दिया कहाँ से लाई हो? वहाँ पे दुकान खुला है. हाँ वहीं पे मिल रहा है. कितना मिलता है दिया? एक. सिर्फ 1 रुपये में? आज भी 1 ही रुपया मिल रहा है, पहले भी 1 ही रुपये में मिलता था. तो काफ़ी अच्छा लगता है बबल गम. अगर आप लोग क्या मिलता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना दिया. और इसमें एक स्टिकर मिलता है जिससे टैटू निकलता है, तो हाथ भी चिपकाया जाता है. तो हम लोग नहीं चिपकाते, ऐसे हाथ ख़राब हो जाता है. लेकिन जब बचपन में हम लोग को मिलता था ना तो सबका लेके हम लोग अपने हाथ पर चिपकाते थे. 1, 2, 3, come on. टाइम हो रहा है 2 और मेरे को लग गया है भूख क्योंकि मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे को भूख लग गया. और ये रहा नमकीन, तो मैं खा रही हूँ नमकीन जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. और नमकीन क्योंकि मीठा मैं खाती नहीं तो इसलिए नमकीन खा रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ साथ ही में. तो अभी मैं कर लेती हूँ पढ़ाई नमकीन खाते खाते क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गया. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए. अगर आप लोग चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए. और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे गाँव का मंदिर आपको कैसा लगता है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.